एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो आज मैं आप लोग के लिए चल रही हूँ गणेश मंदिर दर्शन के लिए। सही पकड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं गणेश मंदिर, ये देखिए। सो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रम है, घंटी है, म्यूज़िक है जो आरती के समय सुबह शाम यहाँ पे बजती है। और बाहर का लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ सामने में ही रेलवे स्टेशन है जिससे लोग आसानी से मंदिर पहुँच सकते हैं। चलिए पंडित जी से मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चर्च के तत्वाधान में गणेश मंदिर का स्थापना हुआ था। और रणजीत यादव का इसमें बहुत सहयोग रहा, वो बनवाया और लोग बनवाए, सबको सहयोग दिया, लेकिन उसका भूमिका इसमें बहुत ज्यादा है। आज उसकी कृपा से देखो जिला परिषद भी हो गया, एच भी चुना गया और यहाँ जो भी आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है, उसको पुत्र प्राप्ति हो या शादी विवाह ना हो, यहाँ पड़ता है मन्नत मानता है उसको, फल की प्राप्ति होता है। गणेश जी ऐसे, गणेश जी झारखंड बिहार उड़ीसा में कहीं नहीं, इतना लंबा कहीं गणेश जी नहीं है। झारखंड बनारस से आए थे, बन करते हैं सपना ही हुआ था। और पुजारी अखिलेश्वर पांडे हैं और कमेटी सब देख रेख में होता है। यहाँ जब से बना है इस एरिया में सुख शांति की प्रतीक है, मतलब इस गाँव में नव दुर्गा बन गया है। गणेश जी का पहले मूर्ति बना, उसके बाद में गणेश नव दुर्गा का मूर्ति बनाया, सपना हुआ। गणेश जी जिस गाँव में आ जाते हैं उस गाँव में उन्नति सब होता है। और इसी गणेश जी का माता बहुत है और हर पूर्णिमा को यहाँ मेला भी लगता है गणेश चतुर्थी को। ये दो साल कोरोना के चलते नहीं हुआ है। सब बहुत प्रकार का यहाँ कलाकार आते हैं और कलकत्ता से सब बाजार आता है, मिनी बाजार लगता है, सब यहाँ मेला भी लगता है, बहुत भीड़ होती है और दस दिन रहता है मेला। और बहुत दूर दूर से यहाँ कलाकार आते हैं, झूला आता है, सब कुछ आता है, शांति बना रहता है, रात को बहुत भीड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और भोग प्रसाद डेली बनता है जिसको यहाँ अपना मनोकामना के लिए देना पड़ता है, 500 रुपया, 700, 800, 1100 रुपया में यहाँ बनवा के भोग भी लगता है, उसको दिया जाता है। और कमेटी का इसमें बहुत सहयोग है और फिर जो होगा आगे बढ़ेगा, होते रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, पंडित जी मंदिर के बारे में बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने पंडित जी ने मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया, तो आप लोग भी यहाँ पे आइएगा। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक। खत्म, बाय बाय, टाटा।